डी डब्ल्यू बेल्चर ने फ्रिंज बेनिफिट्स को कहा है कि ये वो वेजेस होते हैं जो एम्प्लॉय को उसकी प्रोडक्टिविटी के लिए नहीं मिलते यानी कि उसके कहने का मतलब है ये बेनिफिट्स हमारी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड होते हैं ना कि एक एम्प्लॉय की सर्विस से जो वो एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करता है और आगे क्या वो कह रहे हैं कि फ्रिंज बेनिफिट्स दोनों तरह के होते हैं मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी जो कि एक एम्प्लॉय को ड्यूरिंग हिज जॉब एंड आफ्टर हिज रिटायरमेंट मिलते हैं अब आगे हम पढ़ेंगे द टाइप्स ऑफ फ्रेंच बेनिफिट्स सबसे पहले है एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी इसके अंदर जो बेनिफिट्स आते हैं दैट इज इंश्योरेंस किसी भी एम्प्लॉय की इंश्योरेंस करवाना कि अगर कल को कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन में तो एटलीस्ट उस एम्प्लॉई की इंश्योरेंस हो रखी है या फिर लीव ट्रेवल कंसेशन हमने सुने होंगे कि ज़्यादातर ये गवर्नमेंट सेक्टर्स में ही होते हैं जहाँ पे एक एम्प्लॉय के टूर्स के लिए उसकी ऑर्गेनाइजेशन उसको पे करती है देन लेवल फॉर नेगोशिएशंस हो गए मटर्निटी लीव फॉर लेडीज़ हो गया देन कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस हाउसिंग के भी बेनिफिट्स हमें दिए जाते हैं या फिर कई बार आपके जो बच्चे होते हैं आगे उनको आपकी जॉब मिल जाती है तो इस तरह के जो बेनिफिट्स हैं ना वो आते हैं अंडर दी एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी नेक्स्ट इज़ हेल्थ प्रोटेक्शन अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन से बेनिफिट्स हैं जो एक एम्प्लॉय को दिए जाते हैं टू प्रोटेक्ट हिज हेल्थ यहाँ पे आ गया एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो गई डिसेबिलिटी इंश्योरेंस अब यहाँ पे आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते वक्त कुछ मशीन से ऐसा हादसा हो गया कि आपका कोई भी एक पार्ट खराब हो गया तो आप डिसेबल बन गए तो उसके लिए एक इंश्योरेंस करवाई होती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्थ इंश्योरेंसेज होते हैं अब हमने हेल्थ कार्ड्स के बारे में सुना है कि अगर ड्यूरिंग द जॉब या फिर पोस्ट द जॉब आपका कोई मेजर ऑपरेशन होना है या फिर आपके बच्चों के कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं तो आपको वो कार्ड इशू करे जाते हैं कि हाँ जो भी खर्चा होगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन इन सारे एक्सपेंसेस को पूरा करेगी देन इज़ मेडिकल केयर सिक बेनिफिट्स यानी कि जो हमारी सिक लीव्स होती हैं पेड सिक लीव नेक्स्ट इज़ ओल्ड एज एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स यहाँ पर कौन कौन से आते हैं हम जैसे कि ग्रेचुटी हो गई पी एफ़्स होते हैं अब पी जो होते हैं हमारी सैलरी में से ही कट जाता है वो और साथ के साथ वो कलेक्ट होते रहते हैं ताकि जब हमारी ओल्ड एज आए या फिर जब हम रिटायर हो तो वो पैसा एक तरह से हमारे पास एज अ सेविंग पड़ा रहता है हमारी ही सैलरी में से कट के ठीक है ओल्ड एज काउंसलिंग्स होती हैं आप कई बार जब हम ओल्ड होते हैं तो हमारी मेंटल हेल्थ भी इफ़ेक्ट होती है तो उसके लिए भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना प्रोविजंस बना के रखती हैं कि हाँ इनकी काउंसलिंग करेंगे मेडिकल बेनिफिट्स हो जाते हैं आपको जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि ड्यूरिंग द जॉब ही आपको कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो ओल्ड एज जब आती है तब भी हेल्थ इश्यूज़ होते हैं तो उसके लिए भी मेडिकल केयर है देन ट्रैवलिंग कंसेशन टू रिटायर्ड एम्प्लॉज अब कोई एक एम्प्लॉय है जो जॉब तो किसी और जगह पर करता था लेकिन अब उसको ट्रैवल करके दूर जाना है उसका घर कहीं और है तो उसके लिए भी आपको ऑर्गेनाइजेशन पे करती है देन अगर आप रिटायर होने वाले हो तो उससे पहले ही आपके बेटे या बेटी को इम्प्लॉयमेंट दे देना उसी ऑर्गेनाइजेशन में तो ये सब ओल्ड एज के बेनिफिट्स होते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन एज अ बेनिफिट देती है टू इट्स एम्प्लॉयज़ नेक्स्ट इज पर्सनल आइडेंटिफिकेशन पार्टिसिपेशन एंड स्टिमुलेशन नाउ दिस कैटेगरी कवर्स द बेनिफिट्स लाइक एनिवर्सरी अवार्ड्स यानी कि यहाँ पे क्या है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सालगिरह आई कोई पचासवीं आई कोई सेवेंटियथ आई तो इस तरह से आपको अवार्ड्स दिए जाते हैं कि कौन से एम्प्लॉयज़ हैं जो बहुत पुराने टाइम से हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं उनको अवार्ड्स दिए जाते हैं या फिर किसी एम्प्लॉय की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ हो किसी टीम की वजह से तो उनको अवार्ड्स दिए जाते हैं अटेंडेंस बोनस यानी कि अब तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक अटेंडेंस हो चुकी है कि आप आते हो पता लग जाता है कि इफ़ यू आर कमिंग ऑन टाइम और आप जा कितने बजे रहे हो तो ये अटेंडेंस बोनस मिल जाते हैं देन कैंटीन में जो आपका खाना पीना होता है वो फ्री नहीं होता बट एक तरह से आपकी सैलरी से कट जाता है आपको उसको एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत नहीं है देन एजुकेशनल फैसिलिटीज़ भी देती हैं आपको कई ऑर्गेनाइजेशंस आपके बच्चों के लिए ब्यूटी पार्लर सर्विसेस भी दी जाती हैं अगेन हाउसिंग इनकम टैक्स एड्स भी दिए जाते हैं क्वालिटी बोनस हो गया तो ये सब है स्ट्रेस काउंसलिंग देन सेफ्टी मेजर्स देना ये सब आते हैं अंडर दी दिस मेथड नेक्स्ट इस अदर मिसलेनियस कैटेगरीज जिसमें सबसे पहले आता है पेमेंट फॉर टाइम नॉट वर्कड यानी कि उस टाइम के लिए हमें पे करना जब हम काम नहीं कर रहे थे जैसे कि सिकली विद पेज़ होती हैं वेकेशन पेज होगी जैसे किसी इम्प्लॉई को ड्यू टू पर्सनल रीजंस थ्री फोर डेज़ को ऑफ लेना पड़ गया तो उसके लिए भी उसको पे कर दिया जाता है लाइक फॉर वन डे उसकी पेमेंट कर दी जाती है फिर हमारे जो भी लंच पीरियड होता है या टी ब्रेक्स होती है उनके लिए भी हमको पे कर दिया जाता है हालांकि उस वक्त हम कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे होते नेक्स्ट इज़ एक्स्ट्रा पे फॉर टाइम वर्क यानी कि जो भी हमने एक्स्ट्रा टाइम लगाया होता अपनी जॉब पे उसके लिए जो हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं जैसे कि इंसेंटिव बोनस ओल्ड एज इंश्योरेंस यानी कि पूरी जो एक लाइफ होती है कि एम्प्लॉय ने उस ऑर्गेनाइजेशन को दी उसके बदले ऑर्गेनाइजेशन ने उसको एक्स्ट्रा पे कर दी क्या ओल्ड एज इंश्योरेंस अब दिवाली आते हैं उस पर जो हमें बोनस मिलते हैं ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा देन फूड कॉस्ट सब्सिडी अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन या फिर प्रॉफिट शेयरिंग देन इज़ रिट्रेंचमेंट कई बार इंडस्ट्री सिर्फ एक पर्टिकुलर सीजन के लिए ही सेटअप की जाती हैं और ऐसे में वो इम्प्लॉय करती है वर्कर्स को और अगर वर्कर्स की काउंटिंग फिफ्टी या उससे ज़्यादा है तो इंडस्ट्री को वन मंथ का नोटिस या फिर वन मंथ के वेजेस देने होंगे टू तो इम्प्लॉयज़ हु आर रिट्रेंच्ड फ्रॉम इंडस्ट्री आफ्टर वन ईयर ऑफ दी कंटिन्यूस सर्विस नेक्स्ट एंड लास्ट इज ले ऑफ़ कंपनसेशन यहाँ पे आप इम्प्लॉय को या तो टेम्प्रेरी या फिर परमानेंट बेस पे ही इंडस्ट्री से हटा रहे हो फॉर सम बिजनेस रीजंस हो सकता है वो पोजीशन अब ज़रूरी ना हो ऑर्गेनाइजेशन में या फिर जो बिजनेस है वो लॉस फेस कर रहा हो तो ऐसे में इम्प्लॉयज़ को उनको फिफ्टी परसेंट ऑफ बेसिक वेज दे दिया जाता है और जो डी एन एस अलाउंस है दैट इज़ गिवन फॉर द पीरियड ऑफ देयर ले ऑफ़ एक्सेप्ट फॉर वीकली हॉलीडेज एंड ले ऑफ कंपनसेशन कैन बी पेड अप टू फोर्टी फाइव डेज इन अ ईयर तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ फ्रिंज बेनिफिट्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू